प्रयागराज के हंडिया थाना क्षेत्र के नेशनल हाईवे टोल प्लाजा के पास सुबह सोराव के पुराना शिवगढ़ के रहने वाले रामलाल के परिवार विंध्याचल दर्शन के लिए टवेरा से दर्शन करने के लिए निकले। जैसे ही हंडिया नेशनल हाईवे टोल प्लाजा पहुंचने से 1 किलोमीटर पहले ही ड्राइवर इरशाद को नींद आ गई और गाड़ी खंभे में जाकर जोरदार टक्कर मारी, जिससे गाड़ी के परखच्चे उड़ गए और घटनास्थल पर ही 5 लोगों की मौत हो गई व 5 लोग घायल हो गए, जिसमें रेखा पत्नी संजय अग्रहरी, पंगू उर्फ कोजस पुत्री उमेश 1.5 वर्ष, रेखा पत्नी रमेश, कृष्णा देवी पत्नी रामलाल, कविता पत्नी दिनेश की मौत हो गई व घायल उमेश पुत्र श्यामलाल, प्रिया पत्नी उमेश, गोटू पुत्री रमेश, ऋषभ पुत्र रामजीवन व ड्राइवर इरशाद बुरी तरह घायल हो गए, जिसमें से गोटू की हालत बहुत ही नाजुक होने के कारण जिला अस्पताल भेज दिया गया है। हंडिया थाना प्रभारी मैफोस पहुंचकर लाश को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। सूचना पाकर उप जिलाधिकारी हंडिया मौके पर पहुंचे और मौके का निरीक्षण किया। थाना हंडिया क्षेत्र में टोल प्लाजा है एनएच का, उससे लगभग आज मॉर्निंग में एक दुर्घटना हुई। टवेरा गाड़ी पर ड्राइवर समेत 10 लोग, जो थाना सुराव क्षेत्र के शिवगढ़ से हिमाचल की तरफ जा रहे थे, पता चल रहा है ड्राइवर सुनील आने के चलते वो अनियंत्रित होकर रोड के दाहिने साइड में जो बिजली का खंभा है उससे टकराई और अनियंत्रित होकर पलट गई। इसमें कुल अब तक 6 लोगों की मृत्यु हुई, इसमें 5 लोगों की जैसा बताया जा रहा है घटनास्थल पर और 1 व्यक्ति की हॉस्पिटल में, विशेष 4 लोगों का इलाज चल रहा है, बाहर आगे की विधि कार्रवाई से। ये लगता है कि 10 लोग इसमें सवार थे, कहीं ना कहीं तो सवाल उठता है कि जैसा मैंने बताया आगे की विधि कार्रवाई प्रचलित की जाएगी और अभी पहला प्रयास है कि जो घायल है उसका समुचित इलाज और जिससे जल्दी से हंडिया टोल प्लाजा जनपद प्रयागराज में हुई है। आज सुबह पुलिस को लगभग 6:30 बजे ये सूचना प्राप्त हुई थी कि एक टवेरा गाड़ी जिसमें लगभग 10 लोग सवार थे, वे विंध्याचल की ओर जा रहे थे, तभी बिजली के पोल से गाड़ी अनियंत्रित हुई और उनका बैलेंस बिगड़ गया। इस पर लगभग 5 लोग जो घायल हैं उनको SRM हॉस्पिटल भेजा गया है। अब तक की पूछताछ में और घटना का निरीक्षण स्थल में 5 लोगों की मृत्यु की पुष्टि हुई है। जो लोग घायल हुए हैं उनको हॉस्पिटल भेजकर विधिक कार्रवाई की जा रही है, मृतकों का पोस्टमार्टम कराया जा रहा है, उनके परिवार से संपर्क कर यथासंभव सभी मदद पुलिस और प्रशासन द्वारा की जा रही है। सर कहाँ पे रहने वाले थे ये? अब तक की जानकारी में ये थाना सोराव शिवगढ़ जनपद प्रयागराज के रहने वाले थे और ये विंध्याचल की ओर जा रहे थे, तभी ये घटना हुआ।